प्रदेश में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज सर्वसम्मति से पीएम मोदी को नेता चुना गया है। नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का अब दावा भी पेश करेंगे। मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पीएम मोदी को नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया। लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ चर्चा करते देखा गया। इस दौरान सेंट्रल हॉल में उनके समर्थन में नारे भी लगाए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एनसीपी चीफ अजीत पवार, एलजेपी आर के चीफ चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी समेत अलग अलग पार्टियों के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। एनडीए को इस बार 293 सीटों के साथ बहुमत मिला है और छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर निर्दलियों की संख्या 303 के पार पहुंच गई है। इस बैठक में नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। नीतीश ने अपने संबोधन में यह कहा कि वे पीएम मोदी के साथ हमेशा रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर पीएम मोदी समेत वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। आइए आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा
अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है। तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और बहुत अच्छा होगा, आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। नीतीश कुमार ने कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी से यह भी कहा कि आप जल्द से जल्द पीएम पद की शपथ ले लें। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोगों के साथ, और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो मोदी ने उन्हें रोक लिया। नीतीश कुमार जब अपनी बात कर रहे थे तब सेंट्रल हॉल में मौजूद सभी लोग हंस पड़े और उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जाहिर है अपनी दल बदलू वाली छवि के कारण सियासत में हमेशा संदेह की दृष्टि से देखे जाने वाले नीतीश कुमार ने अपने संबोधन से बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वे इस बार पूरी तरह एनडीए के प्रति समर्पित हैं और वे कहीं नहीं जाने वाले। देखना है नीतीश कुमार अपने वचन पर कितना कायम रहते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।